अजीम जी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा मान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरा खानदान, बोलो। हाय, इतने प्यार से तो आपने कभी बात नहीं की। बाकी कितने अरसे बाद मैंने ऐसे बात की है ना। हाँ, काफी टाइम। कान तरस गए थे मेरे कि कब अजीम मुझसे प्यार की बात करे, मुझे प्यार भरे लफ्ज कहे। अच्छा, तो तुम औरतों के ना कान बड़ा करते, कभी शोर की प्यार भरी बातें सुनने को, कभी झुमके पहनने को, कभी चुगलियां सुनने को, कभी भाई की शादी की खबर सुनने को। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश अगर औरतों के कान ना होते तो जिंदगी में कितना सुकून होता, कसम से यार। मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपने कान कटवा दूं? कि वैसे इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे कान, उन कानों के बगैर भी तुम ठीक ही लग रही हो। वैसे गोल सा चेहरा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये कान ही बेड़ा गर्क करते हैं। और खैर, कोई अच्छी बात नहीं। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी सारी बकवास सुनती रहूंगी। सारी सुननी पड़ेगी, अगर मैं किसी और को सुनाऊंगा तो मुझ पर शक करोगी कि ये किसको सुना रहा है। हमेशा अभी भी कोई बकवास सुननी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, आज हम क्यों इनके घर आए हुए हैं? आज हम इनके घर क्यों आए हुए? नया घर बनाया था, देखने आए। भैया को डिस्कस करने के लिए आए हैं ना। क्या डिस्कस करना है हमने? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। तुमने क्यों बुलाया था मुझे? मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप हम अपने प्यार की वाली शादी को कब तक छुपा के रखेंगे। बात तो वैसे तुम्हारी ठीक है, क्योंकि सियाने कहते हैं। क्या कहते हैं सियाने? तुम अपने सियानों से पूछो ना जाके। मेरे सियाने पता नहीं क्या कह रहे, तुम्हारे पता नहीं क्या कह रहे, लड़वाना सियानों को आपस। सियाने मर गए मेरे सारे। मर गए? हाँ। तो फिर घर वालों से क्यों डरती हो? सियाने तो मर गए, ये सारे बेवकूफ के बच्चे। अपने भाइयों से डर लगता है मुझे। अच्छा, अल्लाह की कसम, इतने डरावने हैं वो। हाँ? मेरे मतलब डरती क्यों वो फिर? मेरे भाई हीरो है, हीरो फिल्मों वाले। फिल्मों वाले? हाँ। अच्छा, घर वाले नहीं है? हाँ? फिल्मों वाले है ना। अच्छा, अगर फिल्मों वाले हैं तो फिर तो उनको बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में ऐसे ही होता है। हाँ। लड़के लड़की का चक्कर चलता है, उसके बाद फिर शादी हो जाती है। फिल्मों में ये भी होता है, प्रॉपर लड़के वाले आते हैं लड़की के घर रिश्ता लेने, हाथ मांगते हैं उसका। मेरी और तुम्हारी तरह भाग की शादी नहीं करते? अच्छा, सिर्फ हाथ मांगते हैं, पूरी लड़की क्यों नहीं मांगते? मुझे ये नहीं समझ आया। क्या हाथ मतलब? मेरा रिश्ता। अच्छा, रिश्ता। रिश्ते मजबूत होने चाहिए ना। हाँ। रिश्तों का तकद्दस नहीं पामाल होना चाहिए। ऐसा ही है, है ना? रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। हाँ। है ना? बहुत ज्यादा, जैसे तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ना। हाँ। इतना अनमोल है ना। हाँ। हाय, पूरी दुनिया रश्क करेगी कि यार ये क्या रिश्ता था। बल मेरा मतलब है कि ये क्या रिश्ता है। हाँ? मियां बीबी का ना। हाँ? कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वाइफ और हस्बैंड, है ना। हाँ? अच्छा, इनकी आपस में बनती नहीं कभी भी। हाँ? देखो ना, वाइफ कहाँ, डब्ल्यू में जाके वाइफ आएगी, हस्बैंड एच पे आ जाता है, कितना डिफरेंस है दोनों में, फासला ज्यादा नहीं है कुछ? मतलब समझी नहीं, मुझे समझ नहीं आई क्यों, मतलब इतनी दूर वाला डिस्टेंस, लेकिन मोहब्बत तो देखो। एबीसी भी नहीं पढ़ी, पता नहीं कहाँ पढ़ी है तुम। अब देखो एच कहाँ आ रहा है, डब्ल्यू कहाँ आ रहा है। हाँ। कितना फासला है दोनों की, बनती है आपस में कोई? लेकिन तुम्हारी और मेरी तो बनी है ना। हाँ, नहीं हमारी तो खैर बनी है। हाँ। हमारी तो ऐसे बनी रहेगी। हाँ। अच्छा, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि हम अपनी प्यार वाली शादी को कब तक छुपाएंगे, कब तक घर से दूर रहेंगे। देखिए जी, सियाने कहते हैं, मोहतरमा शाइस्ता जी, शाइस्ता बेगम, सियाने कहते हैं कि इश्क, मुश्क, खांसी और पापड़ खाने की आवाज, ये कभी छुपाए नहीं छुपते। अजीम, मैं सीरियस हूँ। तुम तो शाइस्ता नहीं हो। मैं सीरियस हूँ, तुम सीरियस कब होगे? अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है। हा? कसम से मैंने खुद इस बात पर बड़ा गौर किया है कि आखिर मैं सीरियस कब होऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब जो है ना वो नाम ही आया। अच्छा, सच्ची बात भी करूँ तुम्हें गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, तुम गुस्से में और अच्छी लगती हो, कसम से। मैं हुई प्यारी। पता क्या? क्या, जब भी शोर ने मस्का लगाना होता है ये बकवास जरूरी होती है। इस बात को मैं सीरियस नहीं लेता। मतलब मैं प्यारी नहीं हूँ? नहीं, प्यारी तो तू हो यार। हाँ। तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुम प्यारी नहीं हो? जब से मेरी तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारे रंग बदले बदले से लग रहे हैं मुझे। एक ही रंग है, कसम से, सुबह मैंने उठ के शीशा देखा है, जरा बराबर नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है। मतलब वो वाले रंग? अच्छा, वो वाले। हाँ। वो जिसको कहते हैं सियाने गिदगड़ की तरह रंग बदला है। हाँ। गिदगड़ वाला है ना। वैसे रंग ढंग तो खैर, चाल ढाल तो आपकी भी कुछ चेंज लग रही है मुझे। हाँ? मतलब कहाँ से? अच्छा, चलो जब तुम चलोगी फिर मैं दिखा दूंगा, यहाँ से तुम्हारी चाल भी खराब है और तुम्हारी ढाल भी खराब है। अजीम,
हम अपना घर कब बनाएंगे और हम अपनी फैमिलीज में कब जाएंगे? ये तो यार मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा मसला बना हुआ है यार। अच्छा मेरा एक आइडिया है। क्या? मेरे ज़हन में आया। क्या? तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं बात करती? मम्मा मेरी बहुत गुस्से वाली हैं। क्योंकि सियाने ये कहते हैं। अच्छा अपने सियाने से क्यों नहीं पूछती? मेरे सियानों पे हूँ। अच्छा, मेरे सियाने नहीं है ना। अच्छा सियाने लोग ये कहते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत के जज्बात को समझ सकती है। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। तो फिर अपनी अम्मी से क्यों नहीं बात करती यार? वो भी सियाने कहते हैं ना, एक औरत दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है। मेरी मम्मा ने, मैंने जाना है, मेरी मम्मा ने कहना ये लड़का कभी नहीं, मेरे खानदान वाले कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते तुम्हें। सर तुम्हारे खानदान में आया था कोई खूबसूरत लड़का आया ही नहीं, मैंने इसी बात से हिसाब लगाया तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई अच्छा बंदा नहीं आया तुम्हारे खानदान में ना? चलो खैर हो सकता। कहाँ से है? कहाँ से? तुम भी मजाक करती हो है ना। खूबसूरत तो मैं हूँ। कौन? अच्छा दुनिया में ना दो ही चीजें अंधी होती हैं। क्या? एक कानून और दूसरी औरत। मतलब मैं अंधी हूँ? नहीं, कानून तो पैसे लेके अंधा होता है ना, वैसे अंधा नहीं होता। 1500 दे तो फिर अंधा होता है। औरतें बिला वजह अंधी होती हैं। मैं साबित कर सकता हूँ कि औरतें अंधी होती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से कितनी रोशनी हो गई है? वाकई? हाँ। अल्लाह कितनी नफासत से झूठ बोलती हैं औरतें। नहीं नहीं, रोशनी तो सिर्फ आपकी जिंदगी में रह गई, हमारे लिए तो रोशनी ना पैद हो गई जी। पता नहीं कहाँ चलेगी रोशनी। मतलब अच्छा बात हो रही थी अंधों की? नहीं अंधों की नहीं, बात ये हो रही थी कि रोशनी तुम मेरे से शादी करके खुश नहीं हो? मैं इतना खुश हूँ कि मैं बिल्कुल बता ही नहीं सकता। कितना बताओ ना, थोड़ा सा। कह तो रहा हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। बताओ ना, थोड़ा सा बता दो। तो कह तो रहा हूँ मैं बता ही नहीं सकता, तो क्या बताऊँ? मतलब कोई खुश नहीं हो? नहीं नहीं, खुश तो मैं इतना हूँ। फिर ये है शाइस्ता बेगम, खुश मैं इतना हूँ। कितना? कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए ना दूसरी शादी कर लूँ, ताकि तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारे रहने के लिए तो जगह नहीं है, दूसरी बीवी कहाँ से लाओगे, उसे कहाँ रखोगे? क्योंकि देखो ये भी एक कहते हैं कि ये भी सुन्नत है कि अगर भाई आपके हालात ठीक नहीं हो रहे तो दूसरी शादी कर सकते हो। मैं मार दूंगी तुम्हें। अच्छा जी, गुस्सा आ गया? मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मजाक मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। शुक्र करो इन हालात में ये मजाक करने वाला बंदा मिला, वरना इन हालात में तो बंदे को खुदकुशी करने को दिल करता है कसम से। तो तुम कर लो फिर। क्या? खुदकुशी? ऐवें कर लो खुदकुशी, ले पागल ना हो तो। मरे किसी बात में मरे बंदा, ये कौन सी बात है मरने वाले? तो तुम मेरी खातिर मर नहीं सकते? क्या? मेरी खातिर? माशाल्लाह, तो तुमने मुझे मारने के लिए शादी की थी ना? कितनी अच्छी बात है, कितनी क्यूट बीवी है ना। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए शादी की थी। अच्छा की तो मैंने भी इसलिए थी। मतलब की थी? नहीं, की तो मैंने भी इसलिए ना। तो अब क्या सोचा तुमने? अब मैंने ये सोच रहा हूँ कि घर वालों को किस तरह मनाना चाहिए। हाँ। अच्छा तुम अपनी एक दफा अम्मी से बात करो। हाँ। मैं अपने अब्बा से बात करता हूँ। हाँ। अगर हमारी बात बन गई तो ठीक है, वरना उनकी तो बनी जाएगी। मेरा मतलब है कि वो तो फिर जो चाहते हैं वही। मेरी मम्मा पाकीज़ा पाक दामन औरत है। मेरे अब्बा की तो हर जेल में तस्वीरें लगी है ना, पाकीज़ा औरत है। I'm sorry. वो पंजाबी की एक मिसाल है। क्या? या अल्लाह, या ते सास चंगी होवे, या ओदी फोटो सामने कांधे नाल टंगी होवे। कितनी मदद। अच्छा बताओ मेरी सास कैसी है? हैं? मेरी सास कैसी है? अल्लाह की कसम तुम्हें अपनी अम्मी भूल जाएगी। Really? इतना मारेंगी मेरी अम्मी तुम्हें, मेरा मतलब है इतना प्यार करेंगी तुम्हें कसम से। मुझे सांसों से बड़ा डर लगता है अजीम। एक ही सांस है, मेरे अब्बा ने को पैकेज किया होगा। मतलब वो जला देती हैं, खाना गरम करो, ऊपर से हस्बैंड के लिए कुछ खाना बनाओ, फिर उसमें कहती मिर्चें तेज है, फिर तुम्हें शिकायतें लगाएंगी मेरी, और फिर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में कोई कमी आए। अच्छा तुम्हें सारी बातों का पता है, मुझे लग रहा है तुम्हारी ये चौथी शादी है। तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस बता रहा था। शट अप। बड़ी नहीं, मेरी पहली शादी है। पहली है? बड़ी पक्का। या फिर तुम मीसनी हो, गुंडी नहीं कहते जिसको? नहीं नहीं अच्छा मेरी तो पहली शादी है। पहली है ना? बाकी? हाँ तुमसे ही भी पहली शादी, तुमसे ही भी। आखरी बाकी तो छोड़ो। आखरी फैसला? हाँ देख लो। हाँ
हाँ याद आ रहा है मुझे, एक ही शादी है। अच्छा याद आ रहा है, तुम्हारे नजदीक इतना अहम काम नहीं है? हम मुझे सरसरी से याद है, पता नहीं पहले हुई थी या नहीं हुई थी शादी या मोहतरमा खारिश नहीं है। बड़ा कड़वी दवाई जैसा वो बना लेती बाद में। अच्छा क्या बात हो रही थी? मैं कड़वी दवाई जैसा? इस चांद से चेहरे के लिए जो तुम गाने गाते थे, शायरी करते थे। अच्छा यार इस मौके पे मुझे ना एक बात याद आई। क्या? वो एक ना बंदा हज करके आया, तो हज करके आके ना तो बिल्कुल सादा सादा फिरता था घर पे। अच्छा। उसकी बीवी ने देखा कि यार हाजी साहब जब से हज करके आए हैं, आते जाते मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे, आई लव यू नहीं कह रहे, मेरी जान नहीं कह रहे, मेरी जिंदगी नहीं कह रहे हैं। उसने कहा अच्छा आज हाजी साहब आएंगे ना तो मैं उनसे पूछूंगी हाजी साहब का मसला क्या है। हाजी साहब रात को घर पे आए तो बेगम कह रही हाजी साहब कि जब से आप हज करके आए हैं आपने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, कभी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया। तो हाजी साहब वाला क्या बोले? क्या कह रहे? बेगम जब से मैं हज करके आया हूँ ना मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। अच्छा तुम मेरे लतीफे पे ना कभी लाफ्टर नहीं देती, मुनाफिक ना हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे हो रहा है। शुक्र है। हाँ? नहीं मेरा मतलब कि तुम्हें समझ तो आती है ना, ये चाह रहा था। अजीम जब तुम मुझे आई लव यू बोलते हो, मेरा हाथ पकड़ते हो, तो मतलब तुम झूठ तो नहीं बोलते ना? नहीं नहीं नहीं, मैं इतने नूरानी चेहरे से झूठ बोलता हूँ अच्छा लगूंगा, पागल तो नहीं होगी? अब ये भी झूठ है। चलो खैर छोड़ो, मजा लिया करो बातों का, बदतमीज हर वक्त परेशान रहती हो, साथ में मुझे भी परेशान करती हो, तुम्हारी परेशानी की वजह से मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें पता है? ब्लड प्रेशर की मैं मरीज बन गई हूँ तुम्हारी टेंशन ले लेके। वाकई? हाँ। बीपी की रोज गोलियां खाती हूँ जब तुम सो जाते हो। ब्लड प्रेशर से मुझे याद आया। अच्छा जब आपस में रिश्तेदारी होती है ना कजनों की, वो क्या उसको कहते हैं, ब्लड का रिश्ता था, नहीं ब्लड रिलेशन होता है। हाँ, ब्लड रिलेशन। शादी के बाद वो ब्लड प्रेशर में तब्दील हो जाता है बेचारा। हाय हाय। पर आप तो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं हो। नहीं हूँ ना? नहीं। यही बेचारा हूँ। तो मुझे क्यों बीपी हो गया? हैं? हाँ। ये रिवाज है आजकल बेवकूफ। अच्छा? हाँ, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हाँ? तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हें है, ये अमीर बंदों वाली बीमारियां हैं, हालांकि हमारे हालात ऐसे नहीं है लेकिन बीमारियां तो कम अज कम हो लगे ना, क्या कहना है। तो फिर तो दिल का दौरा पड़ना चाहिए तुम्हें। अमीर है ना? अमीर बीमारी? हाँ, नहीं नहीं इतनी अमीर नहीं, आजकल गरीबों को भी हो रहे हैं, बीमारी चेंज करो, कसम से बहुत बुरा होता है ये। बताओ अब क्या करना है, इनके घर कब तक रहेंगे हम? यार ये तो मैं सोच रहा हूँ इनके घर पे कब तक रहेंगे आखिर। अच्छा मैंने कुछ क्या एक आइडिया दिन में आया। क्या? हम किसी और दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, ठीक है? यार वक्त ही गुजारना ना फिलहाल, अब जब तक घर वालों को पता नहीं चलता कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस मुझे ये बताओ, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, किचन में जाऊँ, तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ, तुम्हारी खिदमत करूँ। वाकई? जी। लग रहा है अच्छा अच्छा पागल ना बनाओ मुझे, मैं जितना नजर आता हूँ ना उतना हूँ नहीं। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे कपड़े धोऊं सुबह सुबह उठ के? इतना गंदा होता हूँ मैं, पागल ना। अच्छा मैं ये कह रहा था, अब किसी के घर तुमसे काम करवाते अच्छी तो नहीं ना लगती मैं? कसम से कितनी अच्छी बीवी मिली है मुझे, अल्लाह की कसम, ऐसी तीन चार होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मतलब है कि अच्छी है, बहुत अच्छी।